चलिए हमारे साथ अब लगातार हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम संपर्क साधेंगे और उनसे पूछेंगे कि वाकई अभी इस समय ताजा हालात किस तरह से नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड को लेकर बता दें, सुबह 8 बजे से वोटिंग का टाइमिंग है। श्रीनिवास पंत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी से जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, सभी पार्टियों के लिए चुनौती बहुत ही कड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान आज उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो अभी सुबह की तस्वीर आप बता पाएं, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग होने वाली है, तैयारियां पोलिंग बूथ पर किस तरह की? श्रीनिवास, बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुछ ही देर के बाद यानी 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और कोविड के चलते इसका समय एक घंटा और बढ़ा दिया गया, यानी 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक उत्तराखंड में पोलिंग होगा और बकायदा 70 विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। और जहां तक अभी का सवाल है, क्योंकि मैं इस वक्त राजधानी देहरादून से पहुंच चुका हूँ हरिद्वार, और हरिद्वार में इस पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ और इस पोलिंग सेंटर पर बकायदा 11 बूथ बनाए गए हैं और अभी मॉक जो पोलिंग है वो शुरू कर दी गई है, ताकि जो ईवीएम की चेक पॉइंट होता है उसकी व्यवस्था सुधारी जा सके। उसमें तमाम राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, उनके कार्यकर्ता के तौर पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि ईवीएम में कहीं कोई खराबी की बात हो, कोई शिकायत हो, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए लगातार पूरी की जा सकती है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो उत्तराखंड में 632 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है, और तमाम राजनीतिक दल 2022 विधानसभा चुनाव के समर में है और जनता को तय करना है कि जो सबसे बड़े हिमायती होने की बात करने वाले तमाम प्रत्याशी, तमाम राजनेता, क्या वाकई में उनके सबसे बड़े हिमायती हैं? लोग आज घरों से बाहर निकलेंगे, लोग पोलिंग करेंगे, वोट करेंगे और अपनी सरकार को चुनने में, अपने प्रत्याशियों को चुनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तमाम शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड में हर वक्त, हर साल, हर वर्ष जब भी चुनाव होता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, उसको पूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाता है और इस बार भी चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां हैं। जहां तक चुनाव आयोग की तैयारियों का सवाल है, तो बकायदा उत्तराखंड में 150 आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 100 के करीब सखी बूथ बनाए गए हैं और पहली मर्तबा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जो 80 साल से अधिक के उम्रदराज लोग हैं उनके लिए बकायदा घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था की गई है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए, बीएलओ के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचा जाएगा जो पोलिंग स्टेशन पर नहीं आ सकते हैं, यानी उनके लिए भी संपूर्ण व्यवस्था की गई। और जो पहली बार के मतदाता हैं, जो 18 साल के दहलीज पर पहुंचे और पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे, लोकतंत्र के महापर्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे, प्रतिनिधि को चुनने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर खासा उत्साह है। हालांकि जो इस बार का चुनाव था कंचन, उसमें उतना रस नजर नहीं आया। पिछले 48 घंटे पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको बड़ी जनसभाएं जरूर उत्तराखंड में देखने को मिली होगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में थी, राहुल गांधी मैदान में थे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड में उतारा गया था। तो यानी 70 विधानसभा सीट में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में एक बार फिर से आना है। 57 जो विधायकों की लेकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उसको 60 पार के नारे में तब्दील करना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 11 विधायकों पर सिमट कर रह गई थी, उसको भी सत्ता में अगर वापसी करनी है तो बड़ी मजबूती के साथ। आज जब जनता घरों से बाहर निकल रही है तो क्या जहन में लेकर निकल रही है? क्या वो विपक्ष द्वारा जो तमाम मुद्दों पर, तमाम जनसभाओं में, वर्चुअली सभाओं में जिन मुद्दों को आधार बनाया गया था, बेरोजगारी, पलायन, यानी इन तमाम मुद्दों पर क्या वोट पड़ेगा, या विकास के एजेंडे पर जो भारतीय जनता पार्टी 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की बात करती है, ऑल वेदर रोड का जिक्र करती है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करती है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात करती है, और वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में
अपनी किस्मत आजमा रही है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया है और एक विकल्प के रूप में वो खड़ा होना चाहती है, जनता तय करेगी कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के साथ जाना है या उत्तराखंड की एकमात्र क्षेत्रीय दल का दम्भ भरने वाली उत्तराखंड क्रांति दल, जो तमाम प्रत्याशियों को लेकर के मैदान में इस बात को लेकर है कि जल जंगल जमीन और भू कानून के अलावा स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, इस पर चुनाव लड़ रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कंचन कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी बागी बन करके, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, कहीं वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। यहां पर श्रीनिवास पंत की 60+ का जो नारा लेकर बीजेपी चल रही है, क्या वाकई इतनी राह आसान होगी? हालांकि ताबड़तोड़ रैलियां जो है वर्चुअल माध्यम से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर चुनावी रैली को भी संबोधित किया। प्रियंका गांधी भी ये कहती नजर आई कि चूड़ियां बिंदियां लगाने वाले विकास की बात क्यों नहीं कर पाए हैं। तमाम चीजों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि आज उत्तराखंड की जनता किसे वोट कास्ट करती है, किस पार्टी के पक्ष में और किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करती है। आपके पास आएंगे।